गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, शैडो इन लाइट, एक्टिविटी 7, अ मॉथ विथ अ ड्रीम। इन द लास्ट वीडियो हमने एक्टिविटी 7 की एक्सप्लेनेशन को देखा था और इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग एक्टिविटी 7 वर्कबुक एक्सरसाइज। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 74। एक्टिविटी 7 की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है। सो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद यू हैव टू फिल अप ऑल द एक्सरसाइज टू ऑल द लेसन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देन क्वेश्चन आंसर को रीड करके ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से आंसर को फाइंड आउट करके फिलअप करना है। अब ये जो पूरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है वो आप खुद से लेसन के साथ कंप्लीट करनी है, इजीली आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करके फिलअप कर लेनी है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में से आंसर को चूज करके कंप्लीट करना है नीचे दिए गए स्पेस में। देन सेकंड है एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 76 पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन एज आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड राइट रिलेवेंट नंबर लेटर इन द प्रोवाइडेड बॉक्स अगेंस्ट द क्वेश्चन। फोर ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करके लिखना है। फर्स्ट 2 मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद 3rd से लेके 7th तक आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यंग मोथ्स मदर एडवाइज्ड हिम टू ड्रीम ऑफ अ नाइस लैम्प बिकॉज, आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, इट वॉज क्लोजर एंड बी इट वॉज ईजियर, इसीलिए आंसर ऑप्शन आएगा डी। देन सेकेंड क्वेश्चन, द मोथ्स पेरेंट्स रिफ्यूज्ड द मोथ टू ड्रीम ऑफ अ स्टार बिकॉज, ऑप्शन आएगा बी, ही वुड नेवर बी एबल टू रीच इट, मोथ जो है वो एबल नहीं था स्टार के पास पहुँचने के लिए। इसी तरह 3rd से लेके 7th तक क्वेश्चन के आंसर खुद फाइंड आउट करके लिखना है। देन 3rd एक्टिविटी भी है पेज नंबर 77 पे, पुट अ टिक मार्क राइट इन द बॉक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क इफ दे आर फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स करना है। द पेरेंट्स ऑफ द यंग मोथ consented him to go to the star, it is right. Then second sentence, every night the moth tried to the best of his capacity to reach the star, it is false. The young third hand, the young moth's father wanted the moth to burn his wings at the lamp, इट इज़ ट्रू। उसके बाद 4th से लेके 8th तक इसी तरह ट्रू और फॉल्स सेंटेंस को टिक मार्क करना है। देन 4th एक्सरसाइज क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड्स इन दैम विथ अ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स गिवन बिलो। अब क्या करना है, राइट वर्ड को चूज करके दिए गए ऑप्शन में से लिखना है। किस तरह मैं बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द मोथ्स डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस, यहाँ पे डिड नॉट लिसन के नीचे जो है वो अंडरलाइन की गई है। डिड नॉट लिसन का मीनिंग होता है इग्नोर्ड,
डिड नॉट लिसन, यानी कि वो सुनता नहीं है, यानी कि वो इग्नोर करता है उसकी मदर को। इसीलिए हम उसके बजाय स्पेस पे, उसकी प्लेस पे हम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं इग्नोर्ड, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए इसी तरह। तो रीराइट करें कैसे करेंगे सेंटेंस को, द मोथ इग्नोर्ड हिज मदर्स एडवाइस, फॉलोड नहीं आएगा और रिजेक्टेड भी नहीं आएगा, उसकी मदर के एडवाइस को वो फॉलोड भी नहीं करता है और रिजेक्ट भी नहीं करता है, इग्नोर करता है, सुनता ही नहीं है। इसी तरह पूरे सेंटेंस को जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है उसके साथ जो करेक्ट वर्ड क्या आएगा वो आपको लिखना है, और उसके साथ पूरे सेंटेंस को है वो रीराइट करना है। देन द लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, मैच द फॉलोइंग ए विथ बी, राइट द करेक्ट नंबर लेटर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन। ए को, ए सेक्शन को इसी तरह रखना है और बी में से करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है। फर्स्ट अ मोथ एंड द स्टार्स, उसके सामने आएगा वो किसने दिया गया है, तो फर्स्ट लाइन में ही हमने समझा जेम्स थर्बर ने, यानी कि फर्स्ट के सामने आंसर की लाइन में ऑप्शन आएगा डी। देन सेकंड द यंग मोथ, आंसर आएगा ऑप्शन ई, ग्रू वेरी वेरी ओल्ड। देन थर्ड अ यंग मोथ्स ड्रीम, क्या ड्रीम था, ऑप्शन बी रीचिंग द स्टार। देन फोर्थ द सीब्लिंग्स ऑफ द मोथ, आंसर आएगा ऑप्शन सी, बर्न टू डेथ एट यंग एज। एंड लास्ट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, वो पूरी जो एडवेंचर की मौत की स्टोरीज है वो ऑप्शन ए कैचिंग द स्टार। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज को, पूरी लेसन की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारा लास्ट यूनिट सिक्स भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज और लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।